हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑल इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग में। टुडे वी हैव आरसीसी लेक्चर। तो आज हम आरसीसी का एक लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आरसीसी के लेक्चर की एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं चैप्टर वाइज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आज क्लियरफाई करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या क्या दिया हुआ आरसीसी का, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आगे जितनी भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आएंगी सीरीज़ की चैप्टर वाइज वो आपको मिल जाए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से ना छूटें। तो इंट्रोडक्शन में कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एंड पीसीसी, यूज़ ऑफ आरसीसी एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी कंस्ट्रक्शन, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रीइंफोर्सिंग मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील HYSD बार। तो इंट्रोडक्शन की फर्स्ट पार्ट का वीडियो ये रहेगा हमारा, सेकेंड पार्ट मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम फर्स्ट स्लाइड देखते हैं अपना। फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी। तो पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एंड फर्दर आरसीसी का मतलब होता है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ओके। एंड पीसीसी में हम स्टील प्रोवाइड नहीं करते हैं, इट डज नॉट कंटेन स्टील, बट आरसीसी में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, इट कंटेन स्टील और रिइंफोर्सिंग मटेरियल, मतलब यहाँ पे स्टील का है। इससे पीसीसी इट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। टेंशन में पीसीसी वीक होता है बट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, मतलब कंप्रेशन स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, टेंशन में फेल कर जाता है। आरसीसी इट इज़ स्ट्रांग इन बोथ कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन, ओके। फोर्थ पॉइंट है इट पीसीसी वीक इन नेचर, इट वीक इन नेचर मतलब इसका नेचर वीक होता है, स्ट्रांग नहीं होता। आरसीसी का नेचर स्ट्रांग होता है, इट स्ट्रांग इन नेचर। फिफ्थ पॉइंट है इट डज नॉट यूज इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब जब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात आती है तो पीसीसी का हम यूज़ नहीं करते, बट हम इसका यूज़ फाउंडेशन से पहले जब इसका बेड बनता है, प्लिंथ बेड और फुटिंग वगैरह जब डालते हैं तो इसका यूज़ कर लेते हैं। और आरसीसी का हम यूज़ करते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गई, स्लैब्स हो गई, रिटेनिंग वॉल्स हो गई, शियर वॉल्स हो गई और स्टेयर्स हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेवन पॉइंट, सडन फेलियर, मतलब जो पीसीसी होता है वो सडन फेलियर स्ट्रक्चर होता है, बट आरसीसी इट टेक सम टाइम बिफोर फेलियर, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम यूज़ ऑफ आरसीसी। यूज़ ऑफ आरसीसी है हमारे पास, फर्स्ट है बीम, कॉलम, स्लैब इन रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मतलब बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह हम आरसीसी के बनाते हैं रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड में, मतलब जो कंपनियां वगैरह बनती हैं उनके लिए। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वाटर टैंक एंड डैम्स भी हम आरसीसी के बनाते हैं, और हाईवे, फ्लाईओवर बनाते हैं, रेलवे ब्रिजेस बनाते हैं। अर्थ रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर्स लाइक रिटेनिंग वॉल, अबटमेंट फॉर ब्रिज, जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ये हमारी स्लैब डली होती है, इस स्लैब से ये टचड एक आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं अबटमेंट। ये जो हमारे लोड को ट्रांसफ़र कर, ये हमारे लोड को सॉइल में ट्रांसफ़र कर देता है, जब लिमिटेड लोड से एक्स्ट्रा लोड इसके ऊपर आने लग जाता है तो ये वहाँ पर ट्रांसफ़र करने लग जाता है सॉइल में, ये फेल नहीं होने देता ब्रिजिस को। अब पावर प्लांट भी बनते हैं इनसे, बंकर्स भी बनते हैं, सिलोज और चिमनीज बनती हैं, टावर्स बनते हैं। मरीन स्ट्रक्चर्स, मरीन स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, जो लाइट हाउस वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है, मरीन स्ट्रक्चर्स, लाइट हाउस बनते हैं, टनल्स बनती हैं, और जहाँ पे ट्रेन वगैरह जाती है उनके लिए टनल्स बनाते हैं आरसीसी की। इरीगेशन वर्क के लिए यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए भी हम आरसीसी यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना लाइट वाले, उनके लिए हम आरसीसी का यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं। एडवांटेज ऑफ आरसीसी कंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास सबसे पहले एडवांटेज है यहाँ पे स्ट्रेंथ।
इट हैज वेरी गुड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन, मतलब कंप्रेशन और टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आरसीसी की। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये कब तक इसकी लाइफ स्पैन होती है वह, तो इफ़ डिज़ाइन एंड लीड प्रॉपरली दिस स्ट्रक्चर कैन बी लॉस्ट अप टू 100 ईयर। मगर अगर हम स्ट्रक्चर को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं और लीड प्रॉपरली करते हैं, उसको अच्छे से बनाते हैं, तो वह कम से कम 100 सालों तक चल सकता है। मोल्टेबिलिटी मतलब स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम इसकी शेप और साइज़ वगैरह कर सकते हैं, तो आरसीसी सेक्शन कैन बी गिवन एनी शेप बाय प्रॉपर डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मवर्क, मतलब फॉर्मवर्क से और प्रॉपरली डिज़ाइनिंग से हम आरसीसी सेक्शन को किसी भी शेप में बना सकते हैं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक कैसे है भाई ये, वैसे तो बहुत महंगे आते हैं इसकी स्टील वगैरह और सारा रॉ मटेरियल, मतलब इकोनॉमिक है ये किस चीज़ में। आरसीसी इज़ चीपर इन लॉन्ग रनिंग एज मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो, मतलब भाई ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है लॉन्ग रनिंग में, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, कभी कभार ही आती है, आती नहीं है कॉस्ट इसकी ज़्यादा रिपेयर होने की। तो अब यहाँ पे डक्टिलिटी मतलब इसकी डक्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है आरसीसी स्ट्रक्चर की। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब रॉ मटेरियल जो होता है आरसीसी का उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस से बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। नाउ अ डेज अ रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी, आपने देखा होगा कि जो आजकल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें एक ट्रक जैसा होता है जिसमें एक रोलर टाइप की एक मशीन होती है जिससे हम कंक्रीट को मिलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके उसे ट्रांसपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, यूज़ फॉर फास्टर एंड बेटर कंस्ट्रक्शन के लिए आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके बाद करते हैं फायर असिस्टेंस, ये जो एडवांटेज हैं ये पेपर में आएंगी, इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फायर असिस्टेंस का मतलब क्या है, द आरसीसी स्ट्रक्चर आर मोर फायर असिस्टेंस एनी अदर कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जैसे विड हो गई और भी जो भी कोई जितनी भी मटेरियल्स हैं हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए, उनसे सबसे अच्छा होता है ये आरसीसी स्ट्रक्चर। परमेबिलिटी की बात करते हैं, परमेबिलिटी का मतलब है यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन से, तो आरसीसी इज़ ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू वाटर, मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर जब क्वेरिंग करते हैं उसी टाइम पे अपनी पूरी वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है जितने इसे ज़रूरत होती है, उसके बाद ये ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्थेटिक, मतलब बनावट कैसी रहती है इसकी। आरसीसी सेक्शन कैन बी गुड एस्थेटिक अपीरियंस, मतलब इसका एस्थेटिक अपीरियंस अच्छा होता है, बहुत मतलब क्रिएटिव दिखता है अगर अच्छे से हम डिज़ाइन वगैरह करते हैं, प्रॉपरली लीड करते हैं। तो कॉम्पैक्ट सेक्शन, मतलब इस सेक्शन को कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं, ड्यू टू रीइन्फोर्समेंट सेक्शन बिकम थिनर एज कम्पेयर टू प्लेन कंक्रीट सेक्शन, मतलब इस जो आरसीसी का सेक्शन होता है वो हमेशा कॉम्पैक्ट रहता है, थिनर रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन कंक्रीट सेक्शन, मतलब जितनी हाइट एंड विड्थ प्लेन कंक्रीट सेक्शन की होगी उससे आधी ही इसकी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनिशियली कॉस्ट आरसीसी वर्क इज़ हाई, जैसे मैंने आपको बताया था इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब इसकी रीइन्फोर्समेंट महंगे आते हैं, एग्रीगेट सैंड वगैरह ये सब महंगी आती है, इसलिए कॉस्टली होता है थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर आर हैवियर देन अदर स्ट्रक्चर्स मटेरियल, मतलब अदर स्ट्रक्चर मटेरियल से थोड़ा हैवी होता है, देयरफॉर द डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज इंक्रीज्ड, मतलब इसी वजह से इसका डेड लोड बढ़ जाता है स्ट्रक्चर का। अब बात करते हैं यहाँ पे 3.3 है आरसीसी नीड टू लॉट ऑफ फॉर्म वर्क सेंटरिंग शटरिंग एंड फिक्स टू
सो रिक्वायर टू लॉट ऑफ साइड स्पेस एंड स्किल्ड वर्क फोर्स टू हैंडल इट। मतलब इसके लिए हमें सेंटरिंग करनी पड़ती है, मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर जो भी हम फुटिंग डाल रहे हैं उसको अच्छे से सेंटर उसका लेना पड़ता है। उसकी शटरिंग जब हम उसमें कंक्रीट डालते हैं तो उसकी शटरिंग अच्छे से करनी पड़ती है हमें, उसके पैड वगैरह अच्छे से लगाने पड़ते हैं। और इसको फिट करने के लिए एक रिक्वायर्ड एक लॉट ऑफ मतलब बहुत जगह चाहिए होती है इसको बनाने के लिए, थोड़ी ज़्यादा जगह हो चाहिए होती है आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और स्किल्ड वर्क फोर्स भी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड टू आरसीसी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए एक स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होती है। फिफ्थ पॉइंट है आरसीसी स्ट्रक्चर कैन बी आरसीसी स्ट्रक्चर्स टेक टू मच टाइम इट्स फुल स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है। फिफ्थ पॉइंट में मतलब स्ट्रक्चर को हम तुरंत यूज़ नहीं कर सकते बनाने के बाद, जैसे हमने स्टील का कोई स्ट्रक्चर बनाया उसे हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन हम इसको हम मिनिमम 40 डेज टू 28 डेज तक इसे रखते हैं, उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एकदम से इसे बनाने के बाद यूज़ नहीं कर सकते, ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ तुरंत गेन नहीं कर पाता। इसके बाद करते हैं हम बात सूटेबिलिटी फॉर आरसीसी, सूटेबिलिटी फॉर स्टील एज रीनफोर्सिंग मटेरियल। मतलब रीनफोर्स मटेरियल की क्या क्या सूटेबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टील डेवलप्स वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड विद कंक्रीट। मतलब कंक्रीट के साथ स्टील एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्टील इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंशन कंप्रेशन एज वेल एज शियर एंड टॉर्श। आपने कंप्रेशन और कंप्रेशन टेंशन शियर टॉर्च वगैरह सुन में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्टील बार कैन बी कट बैंड बेल्ट एंड लिफ्ट इजीली विद कॉमनली अवेलेबल टूल्स एंड मशीन। मतलब भाई इसके जो सरिया होते हैं इसको हम आसानी से काट सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, बेल्ट कर सकते हैं और उठा सकते हैं आसानी से मिलने वाले टूल्स एंड मशीन से, ठीक है। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे स्टील इज़ इजीली अवेलेबल आउट इन इंडिया। मतलब स्टील इंडिया में आसानी से मिल जाती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास स्टील हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ। सिक्स पॉइंट है हमारे पास स्टील इज़ डक्टिल मटेरियल। यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है ये जो पॉइंट है, स्टील इज़ डक्टिल मटेरियल एग्जाम्पल देयरफॉर इज एलोंगेशन ऑफ स्टील बिफोर फेलियर। बिफोर फेलियर स्टील गिव्स सफिशेंट वार्निंग टाइम बिफोर फेलियर। मतलब देयर इज मोर एलोंगेशन ऑफ स्टील बिफोर फेलियर, मतलब फेल होने से पहले ये एलोंगेशन दिखाता है, मतलब क्रैक्स दिखाता है एलोंगेट होने के बाद, उसी के बाद फेल होता है, सडन फेलियर नहीं होता, एक सफिशेंट वार्निंग टाइम भी इसके पास रहता है, उसके बाद ये फेल होता है। और सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेपर में आ भी सकता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बन के, एक थर्मल कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 11.7 इंटू 10^-6 इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ कंक्रीट 9.9 × 10^-6। मतलब ये दोनों जो थर्मल कॉफिशेंट है वो कंक्रीट का और स्टील का नियरली इक्वल है, 19-20 का फर्क है। सो दैट देयर इज नो टेम्परेचर स्ट्रेसेस विद कंक्रीट एज रीनफोर्सिंग एंड रीनफोर्सिंग मटीरियल इन कंक्रीट। मतलब इसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस नहीं आते, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेसेस नहीं आते जिससे स्ट्रक्चर क्रैक्स या डैम्पनेस या क्रैक्स नहीं पाता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसे नोट करके रखना। अगला पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील बार होता क्या है? माइल्ड स्टील बार एक प्लेन एंड राउंड शेप का बार होता है जो मार्केट में हमारे पास 6 to 50 mm अवेलेबल होता है। ये यूज़ कैसे किस तरीके से होता है? एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के लिए होता है, और रेलवेज में इसे यूज़ करते हैं, और कॉलम्स के स्पेरिकल जो कॉलम होते हैं हेलिकल वाले उनमें भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं करते हैं। कट एंड बैंड विदाउट डैमेज, मतलब इन्हें आसानी से काट सकते हैं और बैंड कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। एंड सिक्स्थ है हमारे पास लास्ट स्ट्रेंथ, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ना अच्छी नहीं होती ज़्यादा, इसलिए इसे हम आरसीसी में यूज़ नहीं करते। हम डिफॉर्म्ड बार यूज़ करते हैं जो HYSD बार होते हैं। तो गाइस, वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक एक करके मैं स्लाइड डालता रहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एंड होप यू लव द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर